शामिल होने के 3 साल बाद हार्दिक पटेल के भाजपा में जाने की अटकलें लगनी शुरू हो गई है। आपको बता दें, हार्दिक पटेल इस वक्त गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन शुक्रवार को उन्होंने सीधे तौर पर कुछ ऐसे संकेत दे दिए हैं जिससे मालूम पड़ता है कि भाजपा अब हार्दिक पटेल का हाथ थाम सकती है और गुजरात में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें, शुक्रवार को हार्दिक पटेल ने कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना की। इंटरव्यू में साफ तौर पर कह दिया कि पार्टी में युवाओं की कदर नहीं है, पार्टी मेरे साथ वही कर रही है जो राजस्थान में सचिन पायलट के साथ किया। जब हार्दिक से सवाल किया गया कि क्या आप बीजेपी में जा रहे हैं, हार्दिक ने कहा, भाजपा में शामिल होने का कोई विचार नहीं है। जब भी मैं इस तरह का राजनीतिक निर्णय लेने की स्थिति में रहूंगा तो सबको बताऊंगा। अगर मैं लोगों के हित में ऐसा फैसला लेता हूं तो मैं घोषणा करने में संकोच नहीं करूंगा। मैं जो भी फैसला करूंगा गुजरात के लोगों के हित में होगा। खुद को हिंदुवादी नेता कहने के बारे में जब विस्तार से हार्दिक पटेल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं रघुवंशी वंश से हूँ, हम लवकुश के वंशज हैं, हम भगवान राम, भगवान शिव और देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, हम हिंदू को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। भाजपा सरकार की नीतियों की सराहना करने पर हार्दिक पटेल ने कहा, मैंने पूरी ईमानदारी से कहा है कि विरोधी की ताकत को स्वीकार करना ही उचित है, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो या कोई दूसरी पार्टी। कुछ चीजें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं और अपना सकते हैं। हमें लोगों की समस्याओं को आवाज देने के लिए अपनी रणनीति बनाते समय ऐसी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। हार्दिक पटेल ने बीजेपी को लेकर कुछ नर्म तेवर दिखाए और भाजपा को लेकर कुछ सख्त, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ अपनी राजनीति का रुख मोड़ सकते हैं।